नमस्कार, आप मूव मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज जमुई के सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। बड़े धूमधाम से चिराग पासवान का जन्मदिन आज पटना के पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता सब कोई मौजूद था और चिराग पासवान ने केक काट कर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं कोई जो बुजुर्ग हैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद विधायक तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके चिराग पासवान को कहा है कि बड़े भाई को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपके स्वास्थ्य, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बधाई दिया है। वहीं इस ट्वीट के रिप्लाई में चिराग पासवान ने उन्हें इस शुभकामना के लिए धन्यवाद कहा है। ऐसे तो राजनीति में बहुत कुछ होता है, तो धन्यवाद, बधाई के भी मायने निकलते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान इससे कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव के से भी उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि वो रामविलास पासवान के जयंती पर सबको निमंत्रण देने गए थे। निमंत्रण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने दलबल के साथ, राजद के नेताओं के साथ रामविलास पासवान के जयंती के मौके पर चिराग पासवान के घर पर गए हुए थे। लेकिन अभी के फिलहाल अभी बिहार के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो गया है, 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इस चुनाव में भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चुनौती दिया है और उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें हराने के लिए चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। और दोनों जगह कुशेश्वर स्थान और तारापुर से उन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतारा था और जहां भी जा रहे थे कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमारे पार्टी को तोड़ा है, घर को तोड़ा है और अब मेरा सिंबल भी जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान पूरा कहीं ना कहीं फील्डिंग राजद के लिए कर रहे थे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचेगा तो राजद को फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी चिराग पासवान को कहा था कि मैं रामविलास पासवान का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो चिराग पासवान ही है। तब देखना होगा कि चिराग पासवान आगे की राजनीति में क्या कुछ निर्णय लेते हैं। अभी फिलहाल रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, खुद की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप भी अगर बधाई देना चाहते हैं चिराग पासवान को तो कमेंट करके दे दीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।